What's up my two family? कैसे आप लोग? मैं हूँ आपका नितिन कुमार, आपके फिटनेस चैनल पे, जिसका नाम है नितिन कुमार फिटनेस। दोस्तों आज बात करेंगे जिम जाने की सही एज क्या है, क्योंकि टीनेजर बच्चे अक्सर उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जिम जाने की बेस्ट एज क्या है, जिम हम कब ज्वाइन कर सकते हैं, वर्कआउट कब स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अगर जल्दी वर्कआउट स्टार्ट किया तो आजू बाजू वाले लोग या उनके फ्रेंड सर्कल में उनको लोग बोलते हैं, भाई तू जिम क्यों जा रहा है, तेरी हाइट लॉक हो जाएगी। आपके साथ ऐसा हुआ होगा ना कभी, मेरे साथ तो हुआ है, क्योंकि मैंने करीबन 14 ईयर से जिम स्टार्ट की थी। जब मैं जिम जाता था तब मुझे लोग बोलते थे, भाई तेरी एज कम है, तू क्यों जिम जा रहा है, पर मुझे जिम जाना बहुत पसंद था, जिम जाना मेरा पैशन था। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि दोस्तों अगर आप जिम जा रहे हो तो भाई तू जिम क्यों जा रहा है, तेरी हाइट कम हो जाएगी, बॉडी लॉक हो जाएगी, अक्सर ऐसा देखा जाता है। दोस्तों आज ये सारे मिथ्स हम क्लियर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलो, क्योंकि आने वाले वीडियो को आप मिस ना करें। चलो गाइस देखते हैं आज का ये टॉपिक। दोस्तों जब कम उम्र के बच्चे जिम स्टार्ट करते हैं तब उन्हें अक्सर लोग बोलते हैं, भाई तू जिम क्यों जा रहा है, तेरी बॉडी लॉक हो जाएगी, तेरी हाइट लॉक हो जाएगी, तेरी हाइट बढ़ेगी नहीं, ऐसे लोग बोलते हैं। इसलिए कौन सी उम्र बेस्ट है जिम स्टार्ट करने के लिए, वर्कआउट स्टार्ट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए? दोस्तों सबसे बेहतरीन एज है 15 साल। 15 साल की उम्र से आप जिम स्टार्ट कर सकते हो, जिम जाना शुरू कर सकते हो। दोस्तों अगर बात करें बॉडी बिल्डिंग के लेजेंड यानी अर्नोल्ड की, तो अर्नोल्ड ने दोस्तों 12 साल से वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था, तब जाके वो इतने महान बॉडी बिल्डर बने। इसलिए गाइज अगर आप एक अच्छी फिजिक चाहते हो, अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो, तो 15 साल की उम्र से आप वर्कआउट स्टार्ट कर दो, तब जाके आप 1 या 2 साल में मसल ग्रुप के नाम आप जान सकते हो, अच्छी एक्सरसाइज कैसी की जाती है, उनके फॉर्म्स क्या है, इनके बारे में आपको पता चल सकता है। 1-2 साल गाइज आप खाली जिम में जाके जिम देखिए, कम वेट लेके आप एक्सरसाइज कीजिए। ऐसा करने से दोस्तों 1 या 2 साल आप कंटिन्यू जब जिम में जाओगे तब ये माहौल आपको जमेगा, यानी आपको तब बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्ड करने की इच्छा होगी। ऐसा डायरेक्टली नहीं होता कि भाई मेरे को बॉडी बनाना है और 2 महीने में गया बॉडी बन गई, बॉस ऐसा नहीं होता। आप जब मसल बनाना चाहते हो तो 1-2 साल उस माहौल में आपको जाना पड़ता है, वो देख देख के हमें बॉडी या मसल बिल्ड करने की इच्छा होती है। तो गाइज अगर आप एक अच्छी मसल बिल्ड करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप 15 ईयर से आप वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। भले आप वर्कआउट इतने इंटेंस ना करो, बट आप मसल ग्रुप के नाम सीखो, आप एक्सरसाइज सीखो, अच्छी फॉर्म सीखो। वर्कआउट तो सब करते हैं बट उसका एक्सपीरियंस आने में थोड़ा टाइम लगता है। ये सारी चीज़ें आप 1 या 2 साल में कर सकते हो, जिससे आप 18-20 की उम्र में एक बहुत बेहतरीन फिजिक बना सकते हो। इसलिए अगर आप टीनएजर्स हो तो डेफिनेटली आपका एज 15 ईयर एज होगा। जब आप जिम लगाओगे तब अच्छी जिम लगाना, अच्छे ट्रेनर से आप ट्रेनिंग लेना, यानी आपके फ्यूचर में 1-2 साल के बाद आपके अच्छे मसल्स बिल्ड हो। दोस्तों जब आप 15 इयर्स के एज में होते हो तब आपके बॉडी में आपके हार्मोन्स की ग्रोथ होती है, टेस्टोस्टेरोन पीक पे रहता है, जिससे आपके मसल को ग्रोथ भी अच्छी मिलती है। इसलिए गाइस अगर एक अच्छा मसल बिल्ड करना चाहते हो तो 15 इयर्स से आप वर्कआउट स्टार्ट कीजिए, यानी आपको 20 से 22 ईयर की एज में एक अच्छा मसल आपके बॉडी में बिल्ड हो सके, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एकदम पीक पे रहता है, इससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सेकेंड थिंग गाइज अगर आप 15 ईयर के एज में वर्कआउट कर रहे हो तो कुछ भी खाओगे तो डेफिनेटली ये डाइजेस्ट होगा और इसके सारे बेनिफिट्स आपके मसल को मिलेंगे, जिससे आपका मसल अच्छी तरह से बिल्ड हो सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे क्या जिम जाने से हाइट कम होती है, हाइट बढ़ती नहीं? दोस्तों अगर ऐसा ही होता तो अर्नोल्ड 12 साल की उम्र से जिम जा रहे थे, उनकी हाइट 5 फुट चाहिए, उनकी हाइट तो 6.2 है। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता कि जिम जा रहे हो आपकी हाइट कम हो जाए। दोस्तों हाइट डिपेंड रहती है आपके न्यूट्रिशन पे, आपके जेनेटिक्स पे। अगर आपके घर में आपके फादर या मदर की मान लो हाइट 6 फुट है, तो करीबन आपकी भी हाइट उतनी ही रहेगी, अप्रॉक्स 1 से 2 इंच कम या ज़्यादा हो सकती है। बट हाइट पूरी तरह से जो डिपेंड रहती है वो न्यूट्रिशन और आपके जेनेटिक्स पे रहती है। इसलिए गाइज ऐसा कभी नहीं होता कि जिम जाने से हाइट कम होती है। इसलिए गाइज आप 15 साल की उम्र में हो तो डेफिनेटली आप जिम जा सकते हो, इसके आपको फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। होप ये सारे टिप्स आपकी फिटनेस लाइफ इंप्रूव करने में आपको हेल्प हो। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय गाइज़।